50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सुपरस्टार रजनीकांत को मिला स्पेशल आइकन अवार्ड। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें, रजनीकांत को बुधवार को यह 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आइकन गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में एक भव्य एवं गरिमापूर्ण समारोह में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अमिताभ बच्चन ने यह अवार्ड रजनीकांत को दिया। अमिताभ ने जब रजनीकांत को गले लगाया तो हजारों दर्शक स्टेडियम में खड़े हो गए। रजनीकांत ने अवार्ड लेने के बाद कहा कि अमिताभ मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्होंने यह अवार्ड अपने निर्माताओं, निर्देशकों और फैंस को समर्पित किया और भारत सरकार को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह यह गोल्डन अवार्ड पाकर काफी खुश हैं। बता दें, कर्नाटक के बेंगलुरु में 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में जन्मे रजनीकांत का वास्तविक नाम शिवाजी राय गायकवाड़ है और उन्हें 3 वर्ष पूर्व पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 160 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके रजनीकांत दक्षिण भारत के सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं।